प्रणाम दोस्तों, प्रथम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों से रीट से संबंधित कुछ टॉपिकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सॉल्व की जा रही है। एक और विषय अर्थशास्त्र से संबंधित अपन एक टॉपिक लेते हैं, राष्ट्रीय आय, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यदि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय में आर्थिक अनुदान जोड़ दिए जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए तो बराबर होगा, यानी कि ऐसी परिस्थितियां बनती है तो बराबर स्थिति क्या आएगी, समझना। सबसे पहले यदि बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को अपन राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो बाजार मूल्य पर एनएनपी में क्या किया जाए, आर्थिक अनुदान जोड़ दिए जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाए। आर्थिक अनुदान अप्रत्यक्ष कर माइनस करने हैं इनडायरेक्ट टैक्स और जोड़ना है सब्सिडी। यदि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं इसमें से और सब्सिडी जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा अपन को, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, क्या मिलेगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। मतलब यहाँ पर साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय ऑप्शन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है अपने साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है अपने पास, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय में कौन सी चीज़ शामिल नहीं करते हैं, तो समझना। यहाँ पर मजदूरी व वेतन अपन फैक्टर कॉस्ट में शामिल करते हैं। फैक्टर कॉस्ट में चार चीज़ें होती हैं, उत्पादन के चार साधन होते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें मजदूरी और वेतन शामिल किया जाता है, ब्याज व लाभ शामिल किया जाता है, मकान का किराया शामिल किया जाता है, दुकान का किराया, जमीन का किराया शामिल किया जाता है। क्या शामिल नहीं किया जाता है, पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक तरह का अनुदान होता है, तो पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर निम्न में के बराबर है, समझना। यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या हो गया, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी, बाजार कीमत पर मतलब मार्केट प्राइस पर निम्न के बराबर। अब इसके बराबर इन चारों में से कौन सा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्लस अप्रत्यक्ष कर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब GNP, साधन लागत पर मतलब फैक्टर कॉस्ट, प्लस अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ने हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, GNP मार्केट प्राइस, बराबर क्या हो जाएगा, GNP मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर तो NNP मार्केट प्राइस है, मतलब पहला ऑप्शन अपना गलत है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल मतलब GNP माइनस अनुदान, माइनस क्या करना है, सब्सिडी माइनस करना है। तो सब्सिडी किस में माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब GNP, बाजार कीमत पर मतलब मार्केट प्राइस माइनस स्थिर पूंजी उपभोग मतलब डिप्रिएशन, मूल्यह्रास को अपन को माइनस करना है। तो GNP में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। और ये जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है किस पर है, NNP यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य के आधार पर, ये भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य के आधार पर, मतलब अपना राइट कौन सा हो जाएगा, तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन राष्ट्रीय लेखा संदर्भ में हस्तांतरण भुगतान नहीं है, हस्तांतरित भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो वृद्धावस्था पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये क्यों जाम शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हस्तांतरित भुगतान है। नरेगा मजदूरों को काम न मिलने पर
बेरोजगारी भत्ता ये एक तरह की सब्सिडी है, तो इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गरीबों के स्वास्थ्य बीमा हेतु सरकार द्वारा भुगतान, ये भी क्या है, एक तरह का अनुदान है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा लोगों को जो सेवा के लिए दी जा रही है, और इसके इससे किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, और उत्पादन नहीं होता है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। चौथा है कंपनियों के द्वारा अंशधार को का लाभांश व भुगतान, मतलब इस चीज़ को अपन राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये क्या नहीं है, हस्तांतरित भुगतान नहीं है, तो अपना कौन सा राइट हो जाएगा, चौथा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, GDP में से विदेशों से प्राप्त निवल आय, निवल आय मतलब एक्स माइनस एम, इसको क्या करना है, इसमें जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, GNP मिलेगा, क्या मिलेगा, GNP मिलेगा। तो इसमें से GNP मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहाँ पर है, पहला, तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न समीकरण में GNP को अभिव्यक्त करता है, GNP मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कौन सा व्यक्त करता है, तो समझना है यहाँ पे। एक तो है CIG, CIG यहाँ पर सी का मतलब होता है उपभोग, सी का मतलब होता है उपभोग। आई का मतलब होता है निवेश, आई का मतलब होता है निवेश, ठीक है, इसको विनियोग भी कहते हैं, विनियोग, आई का मतलब निवेश भी होता है और इसको विनियोग भी कहते हैं, ठीक है। जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, सरकारी व्यय। और इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, GDP, क्या होगा, GDP। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, GDP। अब GDP में प्लस प्लस क्या करेंगे अपन, एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम करेंगे GDP में, तो क्या बन जाएगा अपने, GNP, क्या मिल जाएगा अपन को, GNP, जो अपना यहाँ पर GNP प्राप्त करना है। तो यहाँ पर GDP प्लस एक्स माइनस एम कहाँ पर है, तो GDP तो सी प्लस आई प्लस जी, तो ये तो हो गया GDP, सी प्लस आई प्लस जी, GDP प्लस एक्स माइनस एम, मतलब यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो एक तो आय विधि उपयोग में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, उत्पादन विधि उपयोग में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, निवेश विधि, ये निवेश विधि कोई विधि नहीं है। चौथा है व्यय विधि लेते हैं उपयोग में, बिल्कुल सही बात है, मतलब यहाँ पर कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है, तीसरा गलत है, यहाँ पर निवेश विधि कोई राष्ट्रीय आय के ज्ञात करने की कोई भी विधि नहीं है। अगला प्रश्न है अपने पास, कृषि का भारत की GDP में, कृषि का भारत की GDP में वर्ष 2021-22 में योगदान कितना है। यहाँ पर कृषि, कृषि महत्वपूर्ण है, भारत की GDP में इसका कितना योगदान है, तो वर्तमान में इसका कितना योगदान है, तो 18.8% है वर्तमान में, ये करंट का प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है अपने पास, पशुधन क्षेत्र का, पशुधन क्षेत्र का संपूर्ण GNP में कितना योगदान है, तो संपूर्ण GNP में कितना योगदान है, 5.2%, ठीक है। ये अपना अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अपन ने प्रश्नों को सोल्व किया जो परीक्षा से दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक करके अपन रेट से संबंधित समस्त टॉपिकों को के ऑप्शन या विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।